सऊदी हुकूमत की जानब से कुछ अरसा पहले तबलीगी जमातों के सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत की जानब से जारी करदा जुमे के खुतबे में भी इन तबलीगी जमातों पर पाबंदी लगाने का ऐलान करवा दिया गया था अलबत् जनरल कमर जावेद बाजवा की जानब से जाते जाते आखिरी अयाम में कुछ ऐसा काम किया गया है जिस पर उनकी तारीफ़ वजी अंजाब की जानब से की जा रही है और यह पहला मौका नहीं जब वजी अला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ऐसे मामले पर जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ कर रहे हैं बल्कि वो इससे पहले भी वाज तौर पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को दीन के बहुत करीब पाया है इस हवाले से वो जिले पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इनकशाफ किया कि आर्मी चीफ की वजह से सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर से पाबंदी हटाई है तफसीत के मुताबिक अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद होने के बाद मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के शाह वली अहद से बात करने के इस की थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरी इस पर सऊदी वली अहद से तबलीगी जमात पर से पाबंदी की दरखास्त को मान लिया है वजीर पंजाब ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आये पाबंदी खत्म करा कर बहुत बड़ी दीनी सर अंजाम दी है। बाजवा की दीनी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जनरल बाजवा को हमेशा इसका अजर पहुंचता रहेगा रायवंड के नाम से भी मोहब्बत है तबलीगी जमात दुनिया भर के मुसलमानों का चेहरा है लोगों की वजह से बदकिस्मती से दुनिया भर में मुसलमानों का मसबतरी काम नहीं हो सका वाद रहे कुछ अरसा कबल सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने किसी भी तंजीम का नाम लिए बगैर तबलीग की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी थी इस्लामी अमूर के वजी डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख ने बताया कि मसाजिद के इमाम और को यह हिदायत दी गई है कि वो जुम्मे के खुतबे में, में आगाशत गर्दी के दरवाजों में से एक इस ग्रुप से समाज को लाख खतरा के बारे में आगा करे इस ग्रुप से किसी तरह की वाबस्तगी सऊदी अरब में ममनू करार दे दी गई थी अलबतः अब एक बार फिर पाकिस्तान से आने वाली इन तबलीगी जमातों के लिए पाबंदी में हटा दी गई है और वजह पंजाब की जानेब से इसका क्रेडिट मौजूदा चीफ और रुख्सत होने वाले चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दिया जा रहा है